धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया हमें? मैंने अपना दुश्मन सिलेक्ट कर लिया। सिद्धार्थ अभिमन्य? क्या सांटी सिद्धार्थ? तीनों में से एक को फिक्स करने गया था, लेकिन इन तीनों को इशारों पे नचाने वाला चौथा मिल गया। बाहरी दुनिया के लिए इज अ साइंस जीनियस, लेकिन सच में वो एक हार्डकोर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। बेसिकली इन तीनों को अपने साथ मिलाकर पूरे क्राइम वर्ल्ड पर रूल कर रहा है। परसों जिस फंक्शन में सिद्धार्थ चीफ गेस्ट था, वहाँ सीएम बिना बुलाए चले आए थे। उन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन तो था। हमने जिसे चेन स्नैचिंग में पकड़वाया था, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसे मार डाला। पहले उसकी छाती पर जात का नाम गोदा, फिर उसे मार डाला और उसकी लाश को विजयवाड़ा में फेंककर जाति के नाम पर दंगे करवा दिए। उसी एरिया में उसके इलीगल साइट्स हैं, वहाँ इंस्पेक्शन भी रुकवा दिया। और इस तरह एक लाश को भी उसने बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। As a young scientist, we find new things every day, but that doesn't make a news. You know what makes a news? हमारी टीम ने आज कोलाबा में बिना सर के एक इंसान को खोजा है। उसके बाद सर को खोजेंगे। खुद ही दंगे करवा कर, खुद उस पर सटायर मारकर स्टेज पर अपनी वाहवाही लूट रहा है। 3 अक्टूबर उसके लिए इम्पोर्टेंट दिन है और मैं इस दिन को उसकी जिंदगी का यादगार दिन बना दूंगा। वो आपके लिए सिद्धार्थ अभिमन्यु है सर। उसका असली नाम एंकना है। जेल के बाहर आया तब वो छोटा बच्चा था सर। उसके बाप ने उसे 4 गुंडे के साथ भेजकर कहा कि पक्का गुंडा बनकर आना। तब उस बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने अपने बाप को गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें एमएलए बनाया है, मैं गुंडागिरी नहीं करूंगा, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसे हटवा दो। ध्रुव, तुम सिद्धार्थ के अलावा कुछ और नहीं सोचते क्या? कल स्वेयरिंग सेरेमनी है, परसों पोस्टिंग। अगर तुम लाइफ में दोबारा सिद्धार्थ से नहीं मिल पाए तब क्या करोगे? हम दोनों जरूर मिलेंगे यार। जहाँ ज्यादा पैसा होता है क्राइम्स भी वहीं होते हैं। सिद्धार्थ पैसों की तलाश में रहता है और मैं क्राइम्स की तलाश में रहता हूँ। ये इक्वेशन हम दोनों को जरूर मिलाएगा। यू आर राइट। आर यू रेडी टू शेक हैंड विद द एनिमी? व्हाट? कल हमारी स्वेयरिंग सेरेमनी का चीफ गेस्ट सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ अभिमन्यु। We welcome our chief guest Padma Shri Siddharth Abhimanyu, a great scholar and renowned scientist. His innovative contribution to pharmaceuticals is exemplary. I request our chief. ये बहुत lucky है यार, जिस criminal को इसने select किया है वही इसका chief guest है। इसी को कहते हैं luck. चुप। Honorable Minister, respected members on the dais and the audience, ladies and gentlemen, and of course, the future of the police groups. मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मेरे सक्सेस का कारण क्या है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। जिंदगी में एक ही सिद्धांत बनाइए और उस पर चलिए। उसी सिद्धांत को जिंदगी बना लीजिए। थिंक अबाउट इट। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। Now I request all the medal winners to come forward. Ranjit IPS, first specialization in cyber service. Next, Dhruva IPS. He will receive an award from our Honorable Home Minister, Mr. Niranjan Reddy. Dhruva has received this award as specialized in managing activities involving organized crimes, such as political crimes and financial crimes. All the best. Dhruva has one more honor to receive, a special award for his overall best performance of the batch, which will be presented by our Honorable Chief Guest, Padma Shri Siddharth Abhimanyu. Now I kindly request our honorable chief guest to come forward and present this award to Dhruva. He is the best chopper for overall action gaming and weapon firing. Congratulations. Thank you, sir. Beretta, beautiful pistol. I'm glad, sir. Welcome. Pistol milne ki wajah se nahi. Aapke haathon mili isliye, sir. All the very best. Ek idea ko hi zindagi banane ke liye kaha. Mera bhi ek idea hai. Aur aap hi mere idea. और मैं आपको ही फॉलो करूंगा। गुड लक। थैंक यू सर। मैं स्कैम डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स आप ही हैं, इसलिए आप लोगों को सिलेक्ट किया है। सभी ड्यूटी पे आने के बाद क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं और मैंने क्रिमिनल्स को ढूंढने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की। इस वक्त एक दूसरे से पहचान करने का समय नहीं है। यू जस्ट हैव टू बिलीव मी बिकॉज़ आई बिलीव इन यू गाइस। श्योर सर। अक्टूबर 3, उस दिन हमारी सिटी में एक बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है। उसे डिकोड करना हमारा पहला टारगेट है। ये तीनों अपनी सिटी के बड़े लोग हैं, बट अ बिग थ्रेट टू आवर सोसाइटी। इन पर 24 घंटे नजर रखनी है। इनके खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलते हैं उन सब एविडेंस को कलेक्ट कीजिए। गुड।
मुझे कुछ नहीं पता सर। वो बात तो सही है सर, उन तीनों का हवाला के जरिए 600 करोड़ रुपए स्विस जा रहा है। वो तीनों मॉरिसस भी जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं। अक्टूबर 3 के दिन तीनों ने अपने अकाउंट से 750 करोड़ हमारे मॉरिशस के ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए कहा है। आप प्रेशर डाल रहे हैं इसीलिए बता रही हूँ। थैंक यू। 3 अक्टूबर की लिस्ट सर। उस दिन मुहर्रम और देवी के नवरात्रे दोनों है सर, उसी दिन सीएम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम? थर्ड अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 3rd, एंजेलिना किसी भी हाल में इंडिया आना चाहती है। अक्टूबर 3rd को इस लड़की को मारने वाले हैं। इसका नाम है एंजेलिना, जो स्विस की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है, 60% शेयर होल्डर। जेनरिक मेडिसिन की डील साइन करने के लिए इंडिया की फ्लाइट में बैठ चुकी है। 3rd अक्टूबर को होने वाली मीटिंग सभी का जीवन बदल देगी। आपने जो मांगी वो डिटेल्स है सर। उस दिन एंजेलिना आकर एक साइन करेगी तो इंडिया में जेनरिक मेडिसिन आएगा सर। तब कोई भी फार्मा कंपनी वाले कुछ कर नहीं पाएंगे सर। अगर वो हो जाएगा तो 2,50,000 की दवा मात्र 8,000 रुपए में मिलेगी और 500 रुपए में मिलने वाली दवा मात्र 200 रुपए में मिलेगी। ये तो होना ही चाहिए सर। इसे यहाँ की मेडिकल माफिया होने नहीं देगी। इसे रोकने के लिए सिद्धार्थ स्विस में लैंड कर चुका हूँ। ₹1,350 करोड़ स्विस में ट्रांसफर क्यों कर रहा है? I can't believe this। इंडिया में सिर्फ पेटेंट राइट्स का इस्तेमाल करके KE27 नाम की कैंसर मेडिसिन को ज्यादा फायदे में बेचते देखा है। इतने पैसे ना होने की वजह से यहाँ बहुत से गरीब लोग मर रहे हैं, ये देख के दुख होता है। पेटेंट राइट्स को ब्रेक करके वो मेडिसिन कम रेट में गरीबों को पहुँचाना चाहती हूँ। क्या आप इसे जानते हैं? सिद्धार्थ मेरी कंपनी का इंडियन मेडिकल एडवाइजर। आपकी कंपनी का एडवाइजर? जब सिद्धार्थ आपका एडवाइजर है तो आपकी कंपनी में इसके शेयर्स क्यों नहीं? नो नॉट एट ऑल। मेरी कंपनी के 60% शेयर्स बेचने के लिए 2-3 बार फोर्स किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। दैट्स इट। यानी कि 1,350 करोड़ स्विस में ट्रांसफर आपके 60% शेयर्स खरीदने के लिए कर रहा है। द स्टेज इज सेट ब्यूटीफुली। यहाँ आपको मारकर वहां मार्कस के साथ मिलकर आपके शेयर्स खरीद कर सिद्धार्थ कंपनी का डिसाइडिंग अथॉरिटी बनकर और जेनरिक मेडिसिन को इंडिया में आने से रोकना, इन सभी को उसने एक साथ प्लान किया। डोंट वरी, योर सेफ्टी इज माय रिस्पांसिबिलिटी। थैंक यू। कल हमारे लिए 2 टास्क है। पहला, उन 1,350 करोड़ को स्विस अकाउंट में ट्रांसफर होने से रोकना और उसे रोकने के लिए इन तीनों को एक साथ अरेस्ट करना होगा। और दूसरा, एंजेलिना की मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जेनरिक मेडिसिन इंडिया में आना ही चाहिए ताकि हर गरीब को इसका फायदा मिल सके। यस, सिद्धार्थ अभिमन्यु पहली बार वो मात खाने जा रहा है और वो इसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बॉयस, सप्लायर के मुताबिक ही मूव करना। ओके ओके सर।
कहाँ हो तुम? तुम्हारे ठीक पीछे। जैसी, where are you? आपकी गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू फॉर द वार्म अप एंड द अपॉर्चुनिटी। गुड फॉर आवर शेयर्स एंड बिजनेस एज वेल एज योर्स। सर, इरफान हमारे सामने कार रोककर खड़ा है। बट नथिंग सस्पिशियस सर। बिना रीजन के वो वहां नहीं रुकेगा। कीप अ वॉच। गाइस, बी अलर्ट। या, ओके सर। सर, आपके सामने दुर्गा माता की झांकी आ रही है सर। बट उसका ये रास्ता तो नहीं था। यहां जरूर दंगा होने वाला है। दंगे के बीच टारगेट को मारना उसका प्लान है। कार से कोई नहीं उतरेगा। ओके सर। इशिका, इशिका, इशिका। क्या हुआ? अगर तुम्हारी गोली एक इंच से चूक जाती तो मैं डायरेक्टली ऊपर चली जाती, यही चाहते थे? ये मजाक का समय है क्या? पता है कितना घबरा गया था। चलो अच्छा है, इतना कंसर्न तो है। एंजेलिना इज फाइन सर, उसी होटल में रखा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। गुड। कॉल फ्रॉम इंडिया। व्हाट द हेल हैपेंड आउट देयर? वेट वेट वेट, आवा। हैव यू बीन ट्राइंग टू किल मी? आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। वंस आई पुट स्टेप ऑन स्विस सॉइल, यू आर फिनिश्ड। प्लीज वेट एंजेलिना। It's 10 o'clock now. You said Civil had been dead by 9:30. My career is finished. I'm done. Marcus, look, I'll take care of this. Just give me 5 minutes. Just 5 minutes. कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? कानून अपना काम कर रहा है राजा, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिया? ये बात तो मुझे बिना पूछे नहीं बता सकते थे। पैसे के बगैर ये डील मैं कैसे पूरी करूँगा बताओ? पैसों के लिए परेशान हो रहे हो? कितने रुपए चाहिए बोलो राजा, ट्रांसफर करवा देता हूँ। पहले जाकर उन्हें बाहर निकालो। अब्बास, बोलिए सर। तुम्हारे भाई इरफान को जो काम दिया था वो पूरा नहीं हुआ। मैं फिनिश कर दूंगा। आगे जाकर राइट लो। तुम यहां मत रहो, थाने चले जाओ। ओके सर। जब मैं फोन करूंगा तब। Sabe?
अच्छा हूँ सिद्धार्थ जी। मुझे अर्जेंटली 1,350 crores चाहिए। 13,500 करोड़? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने उधार दिया ऐसा बोल रहे हो? आपके लिप्टिनस्टीन अकाउंट से मेरे जिनीवा अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। Why the hell should I pay you? बैंक डिटेल्स आपको मेल कर दिया है। मैं कौन हूँ पता है? मेल के साथ एक अटैचमेंट भी भेजा है। अटैचमेंट? उसे देख कर फैसला कीजिए। ओके ओके मैं भेजता हूँ। Our Honorable Chief Minister to attend the meet for generic medicine with Pixen Company. 20 मिनट में मीटिंग शुरू होगी। एंजेलिना को लेकर आने के लिए बोला गया है। मैडम भी रेडी हैं। मैं लेकर आ जाऊंगा। ओके। सो सर। रविंदर। अर्जेंट है कहकर उन्होंने मेरे मोबाइल से स्विस कॉल किया था। क्यों करने दिया? टेस्ट होने के चांसेस है ना? सॉरी सर। कम इन। हेलो मैम। आई कैन बिलीव व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी। यू शुडंट हैव मेड दैट कॉल। दे कैन डेफिनेटली ट्रेस यू। आई नो बट व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? क्या हुआ सर? ये भाई गाड़ी में छूट गई थी सर। ओके। एंजेलिना और ध्रुवा फिनिश्ड। या बस, बेटर बी सम गुड न्यूज। एंजेलिना इज क्लोज सर। बीच में आए से पिद्रो को भी मार डाला। एक्सेलेंट। कल मेरे इंडिया आने तक इसमें शामिल सभी लोग मर जाने चाहिए। कोई नहीं सर, उन तीनों को अरेस्ट करने वाला, एंजेलिना को सेव करने वाला एक ही। अकेला? कम दाम में दवाइयां लोगों तक पहुंचाने के अच्छे उद्देश्य के साथ जेनेरिक मेडिसिन को इंडिया में लाने के लिए अपनी शर्त पर दस्तखत करने यहाँ आई मिस एंजेलिना जी की हत्या की गई है। इसका मुझे बहुत दुख है। इस हत्या की तहकीकात पुलिस कर रही है। अभी के लिए ये जेनेरिक मेडिसिन का समझौता अस्थाई रूप से रोक दिया गया है। जो भी करना ध्यान से करना। सिद्धार्थ से सावधान रहना। सावधान रहने की जरूरत मुझे नहीं, उसे है। भले ही बुलेट मुझे लगी है लेकिन चोट उसे पहुंची है। 20 सालों में जो अंधेरे में था उसे 2 दिनों में बाहर ले आया। सावधान तो अब उसे रहना होगा। तू बेफिक्र ही रहेगा लेकिन तेरे लिए कोई अंदर आए बिना बाहर परेशानी खड़ा है। परेशान किस लिए? मैं तो ठीक हूं।